डॉक्टर साहब इतना कितना हो सकता है? रूप दीदी थी ना, सारे रिपोर्ट्स सा बिल्कुल नॉर्मल सी किया, फिर ऐसा तो मिस कैरेज का रीजन था हुन तक मैनु फूड पॉइजनिंग ही लग रहा, बट एग्जैक्ट रिपोर्ट लैब टेस्ट तो बाद ही क्लियर होएगा कि की प्रॉब्लम आई है। कंटामिनेटेड फूड खान करके पॉइजन ओना दे फिटस विच फैल गई, जिंदे करके बच्चे दी धड़कन बंद हो गई ते सानू ये हार्ड डिसीजन लेना पै गया। पॉइजन है किवें हो सकता डॉक्टर साहब? पॉइजन किवें? रूप तो हमेशा घर की रोटी खाती है, असं तो उन्होंने कभी बाहर का खाने नहीं दिता, फिर फूड पॉइजनिंग किवें हो सकती है उसको? हुण तक तो सानू यही लगता है कि प्रैगनेंसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया कि जो नहीं खाना चाहिए सी, क्योंकि वो फूड खाने के नाल उन्होंने स्टमक क्रैम्प्स स्टार्ट हो गए जिदा असर उन्होंने बच्चे पर पै गया। इधर आओ ध्यान नाल, ध्यान नाल डॉक्टर की रूप तेरी जानते ने बच्चा नहीं रहा। ओ हले बेहोश ने, पर तुहाडे विचों होश आन तक एक जाने नूं उहनां नूं खबर देनी पैनी है। आंटी जी मैं हुणे आनी आं। हेलो, मैं ते हॉस्पिटल पहुंच गई हूं, तू कित्थे है? मैं हुणे बाहर आनी आं, मैं तुहाडे नाल जरूरी गल करनी है। डॉक्टर ने की किया? रूप दीदी का था अबॉर्शन हो गया। की कह रही है? अबॉर्शन? हाँ जी आंटी जी, पर डॉक्टरों नो लग रहा है कि रूप दीदी के बच्चे नो जहर दे के मारा गया। जहर दे के? हाँ जी आंटी जी, आंटी जी दी खीर खान तो पहला था रूप दीदी बिल्कुल ठीक सी, पर खीर खाते ही उन्होंने पेट अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। मैनू तो लग रहा है यह किसी की साजिश है या हादसा या कोई वट्टी चाल, पर जे यह साजिश है ना तो ये हजेंद्र आंटी तो सरगुन दोनों की मिली भगत होएगी। की कह रही है तू? मैं किदा मान सकती हाँ? नहीं नहीं मैं नहीं मान सकती, हजेंद्र तो अपनी धी की खुशी ले पानी वांग पैसा। नहीं आंटी जी, वो बिल्कुल पैसा पानी मांग नहीं बहान के, तुसी उन्हां दे सब तो वड्डे दुश्मन हो ते तुहाडे नाल दुश्मनी निभान दे लई ते 10 करोड़ दे लई वो कुछ भी कर सकते ने। पर तुसी एक बारी आप सोचो कि रूप दीदी दे बच्चे नू आंटी जी नू 10 करोड़ दी प्रॉपर्टी देनी पै रही सी, ते हुण जे वो बच्चा ही नहीं रहा ते ओ प्रॉपर्टी क्यों देंगे? वैसे भी तुसी तो उन्हां दे सब तो वड्डे दुश्मन हो ना, ते इनडायरेक्टली ओ प्रॉपर्टी तुहानू दे रहे सी, ते आंटी जी तुहानू अपना इन्ना वड्डा दुश्मन मानते ने कि ओ तुहानू प्रॉपर्टी क्यों देंगे? ते वैसे भी अजकल तो भरा भरा दा नहीं होंदा, ऐ तां फिर हुण एक अजन्मा बच्चा है। नहीं नहीं, हजिंदर अपनी धी लई 10 करोड़ तक ही 50 करोड़ भी वार सकती है। बिल्कुल, पर वो अपनी धी दे लई वार सकते ने, अपने दुश्मन दे लई नहीं। वो अपनी सब तो वड्डी दुश्मन दे लई एक कौड़ी ना खर्चन, यह सारा खेड ना उन्हां दा ही रचा होया है। हरलीन दी गल्लां च दम ता है, आखिर इन्नी बदमाशी नाल कमाया होया पैसा हजिंदर एवं थोड़े किसी नूं दे देवेगी। पर आंटी जी ए ता ना मेरी सोच है, मैं कुछ पक्का नहीं कह सकती, पर डॉक्टर ने भी
यही क्या सी रूप धीरे दे बच्चे दे मरण का कारण फूड पॉइजनिंग है। हुन जिस हिसाब नाल मैं सोच रही हूँ उस हिसाब नाल ता मेनू लग रहा है कि हुन तुहाडे हाथ तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तो जान वाली है, क्योंकि जे बच्चा ही नहीं रहा तो वो प्रॉपर्टी क्यों देंगे। दुश्मनी की हद ता देखो, उन्होंने दुश्मनी तुहाडे वंश नाल कटी है, पैसे दे चक्कर च उन्होंने तुहाडा वंश ही खत्म कर दिता। हुन तो मैनू भी लग रहा कि तू जो कह रही है वही सही है। हुन आएगा मजा जब तू बिल्लिया दे विचकार लड़ाई का फायदा चुकांगी मैं। हौसला ना छोड़ो, सब कुछ ठीक हो चुका, नाले तुसी तो साडी ताकत हो। एक बारी रूपधी के बारे सोचो। हुन जे तुसी इदां करोगे तां रूपधी नूं कौन संभालूगा? आखिर रब ने रूप नाल क्यों किया, केड़ी गलती सजा दिती उन्हों? इन्ने समय बाद उहदी झोली विच खुशियां पईयां सी, क्यों खोली उस रब ने? नहीं बीबी जी, इत्थे कोई गल नहीं है। नाले रब कदे भी अपने बच्चों नाल बिना कारण कुछ गलत नहीं करता। की पता रूप दीदी की जान नूं भी खतरा होंदा। नहीं, जो कुछ भी होया ना इहदा जिम्मेवार सिर्फ रब है। असीं जिन्नियां मर्जी अरदासां कर लईए, दुआवां मंग लईए, पर उसने मेरी धी नाल सही नहीं कीता। उसने उहदा बच्चा खोलिया, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੂਨੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਰੂਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿੰਦਰ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਦੀਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਬਣ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਹਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਮਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਸਮੀ, ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਆਈ ਆ, ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। बस मेरे पेट च थोड़ा दर्द सी, इस करके घर दे मैनू इत्थे ले आए सी, पर हुण डॉक्टर ने कहा मैनू जल्दी छुट्टी हो जाएगी। कुछ भी ठीक नहीं होएगा, तेनू मेरी सो कुछ भी ना कही। क्यों ना कहा, तेरा सच सारिया दे सामने आ गया ते हुन डर लग रहा? मैम तुसी इत्थे आराम नाल गल करो, ए ते उच्ची बोलना अलाउड नहीं हैगा। की होया मम्मी? ए की दसेगी? तेनू मैं दस दियां, तेरा बच्चा मर चुका है, हुन तू कदे भी मां नहीं बनेगी। डॉक्टर दसो ना की सच है,
तुसी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सरगुण देखना मम्मी जी की कह रहे ने, ते नाले या डॉक्टर मेरी गल नजरअंदाज क्यों कर रहे ने? बोलना कि मैं मां नहीं बन सकती कि सच्ची मेरा बच्चा? बोलो ना की सच है। तुसी सारे बोल क्यों नहीं रहे? दसो ना की सच है, की होया मेरे बच्चे नू? रूपी नहीं, रूपी विमला आंटी जी जो कह रहे ने सही कह रहे ने। चुप कर, तू झूठ बोल रही है ना? मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। नहीं समझने की कोशिश करो प्लीज। जे मेरा बच्चा इस दुनिया से नहीं रहा ना, तो मैं जी के करूंगी? मैं अपने बच्चे बिना नहीं जी सकती। मैनू मर जान दो, परे हो जाओ। नहीं रूप दी, मैं नहीं छोड़ मैनू छोड़ रूप दी इतना करो रूप दी। मेरू इंजरा का रब देखे किसे दिली चलती, हिम्मत रख। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं हो सकता, मेरा बच्चा जिंदा है। तुसी सारे झूठ बोल रहे हो ना? नहीं मेरे बच्चे नु कुछ नहीं हो सकता। तुसी हॉस्पिटल च हो, ये सब थोड़ी हेल्थ लिए ठीक नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दी मैं जानती हूँ कि थोड़ा दुख बहुत बड़ा है, उन्हें और हो भी की सकता है। हले भला किस्मत चुन जो लिखा होता है वो कोई बदल सके आज तक? नहीं ना, डॉक्टर ने तो बचा दिता पर थोड़े बच्चे नु नहीं बचा सके। उन्होंने थोड़े बच्चे नु बचाने की बहुत कोशिश की थी पर डॉक्टर कामयाब नहीं हो सके। रूप दी ना मेरी बच्ची, इंज ना कर। पता नहीं रब ने केड़ा गुस्सा कढ़िया तेरे ते, देख देख की हाल बना लिया तू अपना। बस कर जिधर, आपे चोर ते आपे चातर ना बन। पहला गलती कर दी है ते हुन मगरमच्छ वांग हंजू बहा रही है। दस दी क्यों ने रूप नू ओदे बच्चे नू भी मारिया है? रूप नू भी सच जानने का पूरा हक है। चुप कर बिमला, तेनू झूठ बोलता शर्म नहीं आती? हाँ बकवास बंद कर अपनी। मम्मी प्लीज तू चुप कर जो, इस वक्त एक गल्ला करने का वक्त नहीं है। तुसी रूप की हालत समझो, वो ते की बीतरी होगी। तू ना ज्यादा टैटे ना कर, गल करन दे मैनू। रूप नू भी तो पता लगे कि ओदी मां ने ओदे बच्चे नू मारिया। मैडम प्लीज हौली बोलो, इतने अलाउड नहीं है इन्हें चीकना थोड़े वास्ते। माफ करना डॉक्टर साहब, लेकिन गल ही कुछ ऐसा दी है कि मैनू तो बोलना पाएगा ही। मैडम जे तुसी मेरा कहना नहीं ना मन्या तो मैं सिक्योरिटी नूं बुला के तुहानूं बाहर कढ दवांगी। रूप मेरी गल ध्यान नाल सुन, इह सारा प्लान ना तेरी मां दा सी, क्योंकि ये कदे भी नहीं चाहती सी मेरा खून वाला वारिस तेरी कुख च पले। इस करके इन्हें पहला भी गोली मारन की कोशिश की थी तेनू, ते हुन तेरे होन वाले बच्चे नू उन्हें कुख च ही मार दिता।
फिर इन्हें तेरे बच्चे दे ना 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कीती ताकि लोग सोचन इन्हें पुरानी दुश्मनी भुला के दोस्ती का हाथ मेरे अगे वधाया है। लेकिन नहीं, मैं गलत सी क्योंकि यह जानती सी जे एक बार रूप का बच्चा मर गया तो प्रॉपर्टी के पेपर भी वापस ले लेगी ते नाले इहदा मेरे नालों बदला भी पूरा हो जाएगा। मैनू चंगी तरह जानती हाँ। बिमला सोच समझ के गल कर, हद पार कर रही है तू। मेरी धी नूं मेरे खिलाफ भड़का के तैनूं मिलेगा की? दस मैनू। ओ तू रहन दे, मैं अज नहीं चुप बैठन वाली, अज तां हद पार होन दे। मैं तां आही सोच के खुश सी कि तेरी धी मैनूं वारिस दे रही है ते मैं उन्हें अपनी धी वांगू प्यार किता, पर नहीं, मैनू नहीं पता सी कि आज भी तेरे अंदर पुरानी दुश्मनी पल रही है। तेरे ते तां आ भी जार नहीं होया कि हरमन दा बच्चा रूप दी कुख च पल रहा है, तू अपनी धी नूं खीर च जहर मिला के देता। जिंदर तू चंगा नहीं किता, चंगा बनन दा नाटक किता है। अपने मुंह ते एक अच्छी मां दा नकाब पाके ते उदे पीछे तू अपनी दुश्मनी दा बदला लिता। मजबूरन डॉक्टर नूं अबॉर्शन करना पिया। मैं कदी भी नहीं सोच सकती तू इन्ना थल्ले डिग सकदी है। ये तुसी की बोल रहे हो मम्मी? तुसी होश भी हो? जो मुंह चादा बोली जा रहे हो। मैं पूरी तरह होश च हां। तू ही अखा ते पट्टी बन के बैठा है। जे तेनू नजर नहीं आ रहा कि तेरा होन वाला बच्चा तेरी सस ने रूप दी कुख च मारता। पंडित जी अपनी बकवास बंद करो, नाले तुहाडी इन्नी हिम्मत कि दोए कि तुसी मेरी मम्मी दे उत्ते इन्ने वड्डे इल्जाम लाए। अपनी जुबान लगाम दो नहीं तो। युवराज बिमला हुण तक तो मैं तेरी सारी बकवास सुनती रही, मेरे तो ना से घट्टो घट उस रब तो डर की सबूत है तेरे को? हां ये सब कुछ मैं किया, मैं अपने रूप दे बच्चे नूं मार है। बोल सच बोलन च कादा डर? सच तो यही है कि तेरे लिए ना तेरी आकड़ तेरा कमांड ते तेरी दुश्मनी तेरे लिए तेरे रिश्तों तो वध है ते नाले तेनू झूठ लग रहा है ना कि मैं जेड़े इल्जाम लाए ने वो झूठे ने। तो तू ही दस दे रूप ने बीमार होने पहला की खाता सी? दस खीर खाधी सी मैनू याद है। अच्छा ते वो खीर बनाई किन्ने सी? आंटी जी ने अपने हाथों नाल बनाई सी। ते आंटी जी ने कहा सी वो किसी दी हेल्प भी नहीं लेंगे, पर तुसी इस गल नाल साबित की करना चाहते हो? आहे कि जे खीर खान तो पहला रूप दी तबीयत बिल्कुल ठीक सी ते खीर खान तो बाद अचानक उदी तबीयत खराब क्यों हुई? इसका मतलब तो ही होया ना कि खीर च कुछ ऐह जिहा मिलिया सी कि खीर खांदी रूप दे ढिड च दर्द होया ते उहदा बच्चा उहदी कुख च ही मर गया। हाँ जी आंटी जी, बट
डॉक्टर ने तो साफ किया ना कि रूप दे दा बच्चा फूड पॉइजनिंग नाल मरे है, ना कि जहर नाल। रूप दे बच्चे दी मौत किदा हुई ए तो बड़ी जल्दी पता लग जाएगा। कोई ना, दूजिया रिपोर्टा भी जल्दी आ जाएगी, फिर साबित हो जाएगा कि मौत फूड पॉइजनिंग तो हुई या स्पेशल डिश हुई पॉइजन तो। कि सच्ची मम्मी मेरी सास नाल दुश्मनी कड़न दे चक्कर च मेरे बच्चे दी जान ले सकती है?